नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बिग बॉस 17 में खतरा जैसी कोई बात अब नहीं लग रही है दोस्तों। बिग बॉस 17 में जो भीड़ जमा हुई है वो भीड़ काफी हद तक नकली ही लग रही है। कोई कोई करेक्टर है जो लगता है कि रियल प्ले कर रहा है, मगर कुछ देर के बाद वो भी लगता है कि शायद ये भी अनरियल है। इसलिए बिग बॉस बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं, बार बार इनको रियलिटी चेक दे रहे हैं। इसी जो माहौल में नॉमिनेशंस भी हो गई और नॉमिनेशंस में आ गए वो सदस्य जो कोई भी इनमें से बाहर जा सकता है, क्योंकि इनमें से कुछ नकली लग रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ नॉमिनेशंस का प्रक्रिया हुआ जिसमें भी लोगों ने अपनी अपनी भड़ास निकाली, मगर उस भड़ास में सच्चाई बहुत कम लोगों की दिखाई दी। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है बिग बॉस के घर में। तो बात करते हैं वोटिंग ट्रेंड्स की, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड को डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो वोट करते हो वो किस दिशा में जा रही हैं, कौन बाहर हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हो गए हैं कुछ सदस्य नॉमिनेट, जिसमें से कि एक तो सना है जिसको बहुत सारे लोगों ने नॉमिनेट किया, फिर ईशा है उसको भी किया गया नॉमिनेट मगर ज्यादा लोगों ने नहीं किया, और उसके साथ साथ समर्थ उनका बॉयफ्रेंड करंट बॉयफ्रेंड वो भी नॉमिनेट हो गए, फिर अरुण भी नॉमिनेट हो गए, और इनके साथ साथ हो गई नॉमिनेट मनस्वी। जी हाँ, मनस्वी भी नॉमिनेट हो गई। तो कुछ खिलाड़ी तो पुराने थे मगर दो खिलाड़ी जो अभी अभी एक साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए थे वो दोनों ही नॉमिनेट हो गए। कंडीशन थोड़ी सी सीरियस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने ये बात बार बार कही कि ये नकली है, ये फेक खेल रहा है, इसका कोई इनपुट नहीं है, इसने कुछ उखाड़ा ही नहीं है इस घर में आके। और हैरानी इस बात की है कि जिन जिन लोगों ने इस बात पे एलिगेशन लिए, ये पॉइंट उठाया, वो खुद भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। अगर उखाड़ पा रहे होते तो जो कल बिग बॉस ने इनकी क्लास लगाई है और जो आज क्लास लगाई है बिग बॉस नहीं लगाते। ये इतने नकली दिखते हैं कि टीआरपी भी इनकी वजह से कम हो रही है। बिग बॉस परेशान हो गए हैं कि इनको कैसे हैंडल करें, थेरेपी भी चल रही है। तो इस सबके बीच में चलिए आपसे बात करती हूं कि वोटिंग ट्रेंड किस दिशा में जा रहे हैं। तो जिनको सबसे कम वोट पड़ रहे हैं दोस्तों वो है मनस्वी। मनस्वी को कम वोट पड़ना जायज है क्योंकि अभी अभी वो आई है और आके उसने समर्थ की तरह ड्रामा नहीं किया है। उसने जैसी थी वैसी ही वो पेश हुई है और उसने वैसे ही सबके साथ हाय हेलो करना शुरू किया है, और उसी हाय हेलो में लोगों ने उसको जज भी कर लिया, उसको वोटिंग में भी डाल दिया, उसको नॉमिनेट भी कर दिया, उसकी बेइज्जती भी कर दी, सब कर दिया। यहां तक कि ये जो अनुराग बाबा है उन्होंने भी नॉमिनेट कर दिया। ये काफी हर्टिंग था मनस्वी के लिए, होना भी चाहिए क्योंकि जिसने इतने अच्छे से उनको वेलकम किया हो और बड़े प्यार से ट्रीट किया हो और वही नॉमिनेट कर दे। मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें अनुराग का क्या खेल था, ये नहीं समझ में आया, मगर उसने उसको नॉमिनेट कर दिया। मुझे तो यहाँ पे मनस्वी गलत नहीं लगी, अनुराग ही गलत लगा। चाहे जैसा भी है जो भी है, अभी तो दोस्ती हुई ही थी उसकी आपके साथ और आप एक ही प्रदेश से हैं, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग तो थी आपके साथ, मगर आपने ही नॉमिनेट कर दिया। मनस्वी को किसी और का बुरा नहीं लगा, उसको लगा तो अनुराग का बुरा लगा, और लगना भी जायज था। तो वो हो गई है नॉमिनेट, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी होती है कि जो ज्यादा वोट्स जिनको मिलते हैं नॉमिनेशन के वो नॉमिनेट होते हैं। तो मनस्वी नॉमिनेट है और उसको वोट भी कम मिल रहे हैं ऑडियंस के, इसलिए वो सबसे नीचे है, यानी कि खतरे के निशान के ऊपर ही बैठी हैं। मगर उम्मीद नहीं है कि ये बाहर जाएंगी क्योंकि अभी अभी तो आई हैं। तो इसके बाद दोस्तों जो कम नंबर है जिनका कि जिनको कम वोट पड़ रहे हैं वो है समर्थ। समर्थ की अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं तो कभी भी वोट नहीं डालूंगी। समर्थ एक ऐसा करैक्टर है जो टो टू हेड नकली है, और नकली के साथ साथ वो कुछ तो ऐसा करता है। मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगी कि क्या खाता है क्या पीता है, क्योंकि जिस तरह का वो बिहेव है वो नॉर्मल बिहेव नहीं है। वो हमेशा चार्ज रहता है, हमेशा अटैकिंग पोजिशन में रहता है, जैसे उसको भर भर के भेजा गया हो कि जाओ और लड़ो, सिर्फ लड़ो, मुद्दे मत सोचो कि क्या होंगे, बस लड़ो। ईशा की तरफ कोई उंगली करे तो लड़ो,
ईशा का कोई नाम ले तो लड़ो, ईशा कुछ करे तो लड़ो, अभिषेक अगर जरा सा इधर से उधर हटे तो कहो कि ईशा की वजह से हुआ है। बस लड़ते रहो बेटा, और कुछ नहीं करना है आपको। और वो वही कर रहा है समर्थ। शक्ल अच्छी है, बॉडी अच्छी है, एक्टर भी अच्छा है, मगर वेस्ट हो रहा है। लोगों को समर्थ का ये रूप अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि आज के एपिसोड में जो अभिषेक पे इल्जाम लगते थे कि वायलेंट होता है, आज के एपिसोड में खुद वो भी वायलेंट हो गया। तो कोई फर्क नहीं है अभिषेक में और इसमें समर्थ में। तो किस बिहाफ पे वो अभिषेक को गलत कह रहा है। और जब थोड़ा सा नॉर्मल दिखाई देता है, शायद किसी चीज का सेवन करता हो या नहीं करता हो या जो भी है, तो फिर अभिषेक से नॉर्मल बात करता हुआ भी दिखाई देता है। तो ये पर्सनैलिटी कंफ्यूजिंग है और अपने ही कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए लोग ज्यादा इसको पसंद नहीं कर रहे हैं और ये दूसरे नंबर पे है खतरे के निशान पे। तो अब बारी है दोस्तों कि कौन है इनके बाद जिसको कम वोट पड़ रहे हैं और इनसे ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, वो है अरुण। अरुण को इनसे ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, चाहे अरुण अपने कमरे में बंद रहते हैं, चाहे वो कुछ नहीं करते हैं, मगर जब कुछ करते हैं, जब कुछ कहते हैं, तो उसमें वजन होता है। लोगों को अरुण की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, लोगों को अरुण का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लग रहा है, और अपनी उनकी फैन फॉलोइंग तो है ही, क्योंकि वो क्रिएटिव है तो अच्छी सी फैन फॉलोइंग है। तो अरुण लोगों को पसंद आ रहे हैं, मगर इतने भी पसंद नहीं आ रहे हैं कि उनको नंबर वन पे सेव करें। अरुण को सेव जरूर किया है लोगों ने, मगर तीसरे नंबर पे। तो अरुण भी ऑलमोस्ट खतरे के निशान पे हैं, क्योंकि ये नंबर बदल भी सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों कि इसके बाद कौन है सेव। तो ईशा का नंबर है। ईशा तो बाप रे बाप, ईशा को झूठी नंबर वन सही टैग दिया था और अब वो टैग बेच रही है। मनारा को झूठी नंबर वन कह रही है, किसी और को झूठी नंबर वन कह रही है, अंकिता पे भी आ रही है, अंकिता दीदी आपने किया था, आपको कुकड़ू को बजा था। और नाटकबाज लड़की है वो, पूरी नाटकबाज। उसको ये भी बुरा लगता है कि अभिषेक अगर खानजादी के साथ घूमता है, उसको लगता है कि ये मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड है या नहीं है, क्योंकि स्टेटस तो क्लियर है ही नहीं ईशा का, ये हाथ से निकल रहा है। और समर्थ उसको कहीं ना कहीं इतना वो लग नहीं रहा कि समर्थ के साथ मुझे फोटेज अच्छी मिलेगी, क्योंकि अभिषेक के पास वेरिएशन है। तो ईशा जो है टोटली नकली खेल रही है, उसमें मुझे एक पर्सन भी रियलिटी दिखाई नहीं देती है। अभिषेक इधर उधर बातें करके उसका पास्ट कुरेद रहा है, उसकी मम्मी की बात कर दी, ईशा की मम्मी के बारे में कि मम्मी ऐसी है, ईशा ऐसी है, घर का माहौल कैसा है, ये सब उसने रिंकू जी के साथ बात की और सब खुलासा किया। अब इस खुलासे के बाद लोगों के मन में ईशा की क्या इमेज होगी, ये आप ही समझो। तो ये पूरा का पूरा जो चंक ईशा के बारे में चल रहा है वो पॉजिटिव नहीं है। फिर भी जैसा कि अभिषेक समर्थ को कह रहा था कि कुछ तो इसमें है, इस लड़की में कुछ तो है कि प्यार हो जाता है, ऐसे ही कुछ तो फैंस हैं जिनको ईशा से प्यार हो गया है और उन्होंने ईशा को सेव किया है। अब आते हैं नंबर वन पे, यानी कि सेव हुआ है जो नंबर वन पे, तो वो जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ रहे हैं वो है सना। सना रियल दिख रही है, सना नकली नहीं दिख रही है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मुझे, हाँ कभी वो कम बोलती है, कभी वो नहीं इतना फोटेज दे पाती जैसे ये लोग दे रहे हैं, मगर सना अच्छी दिख रही है। कल का डिसीजन जो था उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। यही तो है बिग बॉस का घर, यहीं पे तो जैसे मनोवर ने कहा, यहीं पे तो पता चलता है कि बना के रखने में कितनी ज्यादा अच्छाई है। सना को बिना मतलब से इन्होंने एक के बाद एक करके वोटिंग में डाल दिया, नॉमिनेट कर दिया। यहां तक कि विक्की ने भी जो सना के साथ बैठ के बातचीत करते थे, स्ट्रेटजीज डिस्कस करते थे, अंकिता तो टूटी ही हुई है सना के ऊपर, उसको तो सना एक आंख नहीं भा रही है और सना को वोट्स मिल रहे हैं दोस्तों, यहीं पे उन्होंने ये फैन फॉलोइंग कमाई है। और सना के ऊपर जिस तरह ये लोग भड़के थे कल, बहुत गलत था, क्योंकि सना ने तो बाद में गलती की या जो भी किया डिसीजन लिया। बिग बॉस के घर में संचालक फाइनल होता है, वो गलत डिसीजन लेता तो भी बिग बॉस उसको ही मानते हैं,
मगर जो आप लोगों ने गलती की उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। बिग बॉस बार बार उसी की बात कर रहे, आप बात ही नहीं कर रहे हो। ये सब विक्की भैया, अंकिता, ये सब के सब धुरंधर खिलाड़ी लगे हुए हैं सना की बैंड बजाने, मगर अपनी बात नहीं करेंगे कि हमसे भी गलती हुई है। बिग बॉस बोले तो सॉरी बिग बॉस, सॉरी बिग बॉस। भाई अपनी गलती भी मानो, एक दूसरे से बात करो कि हमें ओवरशाना नहीं बनना है, हमें अपना बिग बॉस का सीजन निकालना है, हमें पिछले सीजन यहाँ पे दोहराने नहीं है कि अच्छा बिग बॉस ने एक लाइन बोली ये टास्क है राशन का, ओह हमें पता है बिग बॉस हम खेल लेंगे, बस बस आप मत बताइए हम खेल लेंगे ये वाला टास्क, तो बिग बॉस को तो भाई गुस्सा आएगा ही। तो ये जो है सना के फेवर में गया है पूरा का पूरा, इनका रेवोल्यूशन जो उन्होंने किया है और सना ने जो यहाँ पे प्ले किया है, लोगों को ये पसंद आया है, इसलिए सना सेव है दोस्तों और होनी भी चाहिए। तो ये पांचों के पांचों खिलाड़ी जो है इस तरह से वोटिंग ट्रेंड में जा रहे हैं, देखते हैं कल क्या बदलता है कैसे होता है। मगर जहां तक ये सवाल है बाहर जाने का, कौन बाहर होगा, तो उम्मीद है कि दिवाली की वजह से शायद किसी को बाहर ना ही भेजें और हो सकता है कि नो इलिमिनेशन हो, मगर इसकी कंफर्मेशन मैं आपको कल अपने वीडियो में दूंगी हंग्री स्पिरिट चैनल पे। तो कैसा लगा आपको ये वोटिंग ट्रेंड जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।